एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज सेवी फॉरेंसिक्स। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ वैकेंसीज़ के बारे में। एंड ये वैकेंसीज़ आई हैं आपकी रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में, जो कि आपके गुजरात में है। एंड यहाँ पर आपके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आई हुई हैं। यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं आपकी फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में भी हैं, इसके अलावा क्रिमिनोलॉजी, क्राइम साइंस और इन सारे आपके कोर्सेज में भी ये वैकेंसीज़ आई हुई हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज़ है, क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है एंड किस तरह से यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होगा वो किस तरह से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो आपकी वैकेंसीज़ रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में आई हुई हैं, ये आपका वॉक इन इंटरव्यू है। दैट मीन्स आपको डायरेक्टली वहाँ पर इंटरव्यू के लिए अवेलेबल होना है, आपको सीधे इंटरव्यू देने के लिए जाना है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, ये आपकी प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। तो इसमें जो क्या रहेगा आपका, कोई भी तरह का किसी तरह का इसमें आपकी जो जॉब है वो परमानेंट नहीं होगी, वो एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। एंड जब वो कॉन्ट्रैक्ट आपका ओवर हो जाएगा, उसके बाद में आपकी जो जॉब रहेगी वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी उस टाइम के बाद में। ठीक है, तो ये आपके स्टार्टिंग में ही कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज़ आई हुई हैं। सो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी सबसे पहले तो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ हैं क्रिमिनल लॉ, सिक्योरिटी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। ठीक है, तो इसमें जिसको भी इंटरेस्ट है तो आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड वाली है वो आपकी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की है क्रिमिनोलॉजी और क्राइम साइंस में। इसके अलावा जो थर्ड वाली है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, जो कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, क्रिमिनोलॉजी और क्राइम साइंस, लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी एंड साथ में आपका फोरेंसिक साइंस है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो कि फोरेंसिक साइंस से जिन्होंने आपका अपना मास्टर्स किया हुआ है या जो भी फोरेंसिक साइंस के बैकग्राउंड से हैं, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जॉब है बेसिकली आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है एंड इसका जो आपका पे स्केल रहेगा वो 40,000 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी इतनी ही वैकेंसीज़ हैं। इसमें कितनी वैकेंसी आई है इसका कोई नंबरिंग नहीं दी गई है कि आपकी इतनी पोस्ट है उतनी पोस्ट है, बस यहाँ पर आपको बताया गया है कि इस फील्ड में वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप फोरेंसिक साइंस की फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं और बाकी सारी चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और भी सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं, तो आप अगर इनके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको पूरा की पूरी PDF में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी हम बेसिकली फॉरेंसिक साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, जो कि आपके रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए। दैट मीन्स अगर आपको फोरेंसिक साइंस के लिए अप्लाई करना है तो आपका मास्टर्स फोरेंसिक में होना चाहिए, क्राइम साइंस में अप्लाई करना है तो आपका जो मास्टर्स है वो क्राइम साइंस में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका नेट रहता है, नेट एग्ज़ाम रहता है UGC की तरफ से होता है, या फिर आपका जो CSIR नेट है, तो इन दोनों में से आपका कोई भी एक एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। नेट आपका बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक GRF होता है, एक LS होता है। ठीक है, LS मतलब लेक्चरशिप। तो अगर आपका जो नेट एग्ज़ाम है वो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ लेक्चररशिप के लिए भी क्लियर कर रखा है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है और भी सारी चीज़ें हैं, PhD वगैरह के बारे में दिया हुआ है। तो जो भी बच्चे जो लोग PhD कर रहे हैं तो वो लोग इसके बारे में देख सकते हैं, एंड जिन्होंने PhD नहीं कर रखी है तो वो भी इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बेसिक क्राइटेरिया है वो आपका मास्टर्स डिग्री है आपकी रेलिवेंट फील्ड में, उसके साथ साथ आपका अगर नेट एग्ज़ाम क्लियर है तो आप उसके लिए इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और भी सारी डिटेल्स दे रखी हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ये सारी बेसिकली PhD होल्डर्स के लिए हैं, जिन्होंने PhD कर रखी है या फिर PhD में ज्वाइन है, तो आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और सारी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस दे रखी हैं। तो ये डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास है तो बेस्ट है। जैसे कि आपका कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आपका यहाँ पर है टीचिंग रिसर्च एंड और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन पेपर्स प्रेजेंटेड, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश और बाकी सारी चीज़ें हैं, इस तरह से और सारे पॉइंट्स हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो ये बेस्ट है। बाकी ऐसा कुछ इसमें कुछ प्रेफरेंस या ऐसा कुछ भी नहीं, वो डिज़ायरेबल होता है। ठीक है, इसके अलावा अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर और सारी वैकेंसीज़ के बारे में दिया हुआ है।
तो आप इनके बारे में, आपको इसकी पूरी PDF मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसके अलावा आपको फेसबुक पेज पर भी मिल जाएगी मेरे, एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसकी पूरी PDF की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जो भी इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए भी पढ़ सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। ये जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि यह आपका कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी आपका ऐसा नहीं होगा कि आपका ये रिन्यू हो सकता है अगर आप फोर्सफुली कहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपकी क्वालिफिकेशंस है, एक्सपीरियंस है, शैल बी द मिनिमम एंड बी मियर फैक्ट दैट अ कैंडिडेट पोसेसेस द सेम शैल नॉट इंटाइटल हिम, तो सारी चीज़ों का पढ़ लीजिएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो वो ये है कि यहाँ पर दे रखा है कि एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन विल बी रेकन्ड एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है जो भी आपको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, जो भी वैकेंसी है, इज़ प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ नीड, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड परफॉर्मेंस मे बी रिन्यूड फॉर द मैक्सिमम पीरियड्स ऑफ 3 ईयर्स। सो बेसिकली इसमें क्या है, अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 1 ईयर का रहेगा, उसके बाद में जैसे भी वहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी फंड्स की, जैसी आपकी परफॉर्मेंस होगी, जैसे कि वहाँ पर जिस तरह की वहाँ पर नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तो उस बेसिस पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उसको रिन्यू भी किया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ईयर्स तक। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपकी हो सकती है। इसके अलावा जो आपका लास्ट डेट है सबमिशन की, वो आपके यहाँ पर लिखी हुई है 31st of August 2020। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका इसका जो फॉर्म है वो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड उसके बाद में जो सबमिटेड जो आपका फॉर्म रहेगा उसको आप सबमिट करेंगे विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ में। एंड यहाँ पर आपकी वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पर ये दे रखा है, तो यहाँ पर आपको सेंड करना है आपको पूरे सारे जो भी आपका फॉर्म रहेगा उसके साथ जो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो आपको यहाँ पर भेजना होगा 31st of August 2020 तक। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर बताया रखा है कि आपको किस तरह से ये आप फॉर्म को अपने भेजेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका अपॉइंटमेंट है वो 364 डेज का, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड यहाँ पर दे रखा है जो आपकी सीरियल नंबर जो पोस्ट है, जो पोजीशन है 3 to 9 वाली, तो आपकी थर्ड वाली में असिस्टेंट प्रोफेसर फोरेंसिक साइंस वाली आती है, तो वहाँ पर आपका 364 डेज का आपका इनिशियल होगा, बाकी आपकी जैसी परफॉर्मेंस होगी, जैसी वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, तो उस बेसिस पर आपका ये जो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू भी किया जा सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ईयर्स तक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि आपका रिपोर्टिंग टाइम जो है, वॉक इन इंटरव्यू, वो भी आपका नीचे भी मिलेगा किस किस टाइम पर आपको पहुंचना है वहाँ पर। यहाँ पर एक पॉइंट है जो क्वालिफाइड फीमेल है, रिजर्व कैटेगरी माइनॉरिटी कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली इंकरेज। एंड इसके अलावा यहाँ पर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि आपको अपनी 3 कॉपीज़ ऑफ रिज्यूमे विद फोटोग्राफ लेके जाना है, एफिक्स्ड ऑन ऑल कॉपीज़, ओरिजिनल एंड 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी ऑफ द एकेडमिक कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं कि क्या क्या आपको लेके जाना है, साथ ही साथ ये आपका पूरा एड्रेस दे रखा है कि यहाँ पर आपको जो आपकी डेट है उस टाइम पर आपको यहाँ पर अवेलेबल होना है, वहाँ पर आपको यहाँ प्रेजेंट होना है। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर बताया हुआ है COVID-19 के बारे में कि वहाँ पर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह लेके जाना होगा, तो ये देख लेते हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है सबसे पहले तो कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको डेट ऑफ इंटरव्यू क्या होगी, रिपोर्टिंग टाइम क्या होगी, इंटरव्यू का टाइम क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 6 वाला देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आपकी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर फोरेंसिक साइंस वाली हैं, तो ये आपकी 25th of August को यहाँ पर आपका इंटरव्यू होना है। एंड इसके जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपका यहाँ पर दे रखा है, एंड ये आपका इंटरव्यू का टाइम दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो गई डेट ऑफ इंटरव्यू की। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर पूरा का पूरा COVID-19 की से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपका पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, COVID-19 जो आपका है तो उसका पूरा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करते हुए आपको पूरा का पूरा ये फॉर्म भी अपने साथ में लेके जाना है इंटरव्यू के टाइम पर। ठीक है, तो
तो यहाँ पर आपके जो पोस्ट है उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ पॉइंट छूट रहा है तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पेज पर, एंड इसके साथ साथ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी जो आपका ये जो वीडियो रहेगा इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है एंड ये वाला वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड अगर आपको वैकेंसी से रिलेटेड फोरेंसिक साइंस में किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी वैकेंसीज़ के बारे में पता चलता है। एंड इसके साथ साथ जितने भी फोरेंसिक साइंस के बच्चे जो कि नेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स यहाँ पर आपको पढ़ाए जाते हैं जो कि आपके नेट के एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। बहुत सारे MCQs भी पढ़ाए जाते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा, ये चैनल आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो भी लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो उन तक ये वीडियोज़ पहुँच जाएँ। ठीक है, इसी के साथ साथ अब हम मिलेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में, एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हेयर।